सत्कारयोग श्री सतपाल विखे जीओ, आप जी एक कुशल अध्यापक, संजीदा शायर, संवेदनशील बाल लेखक, गंभीर अनुवादक, सफल इंसान हो। आप एमए पंजाबी, बीएड अते ईटीटी की सिक्ख्या प्राप्त करके पटियाला विखे सरकारी एलीमेंटरी अध्यापक के रूप में सेवा निभा रहे हो। आप अध्यापन दौरान बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करके सृजनात्मक कार्य लेके आए हो, उन्होंने रचनावान संकलित करके पुस्तक संपादित किया है। आप 1999 अखबार उन्होंने मना के रिपोर्टर रहे, बहुत सारे पुस्तकों ने रिव्यू किए हैं। आपने 7 काव्य संग्रह, 1 जीवनी, बच्चों दी 25 मौलिक संपादित पुस्तक, 7 अनुवादित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य मैगजीन तासमान की संपादना कर रहे हो। आपके साहित्य कार्य को मान लेंगे, पंजाबी साहित्य अकादमी को लेना पड़ा है। 2016 माता जसवंत कौर सर्वोत्तम मौलिक बाल साहित्य पुरस्कार भारतीय साहित्य अकादमी वालों 2017 सम्मानित किया जा चुका है। इस मान को प्राप्त करते हुए एक शेयर याद आ रहा है, जिसे मैं अक्सर अपने आस पास महसूस करता है। उसी के हारा चो हट होए बकेरा, जितना को उत्साह मिलता है। हारा चो हट होए बकेरा, जितना चो उत्साह मिलता है। दुख दर्दा चो बंदा निकले जा गुरबुद्धे घोल दे। सो दोस्तों, गुरबुद्ध भी बहुत हंसा है, हारा भी बहुत चली है, किरत भी बहुत की। मैं दोबारे अपनी गल कहना कि मैं गुरबुद्ध भी बहुत हंसा है, हारा भी बहुत चली है, किरत भी बहुत की। पर इस हार चो जो किसी किरत को माण मिलता है तो महसूस होगा कि जितना चो उत्साह मिलता है। तो वह उत्साह मैं इस वक्त महसूस कर रहा, मैं उस उत्साह माण भी रहा, और यह मैं मेरी किरत करने के सहायक होती है। और दूजी गल मैं ये कहनी है कि साड़ी बहुत वड्डी शायरा उन्होंने काव्य सत्र के माण सुचे इश्क का है, उन्होंने का दावा नहीं। बहुत वड्डिया शख्सियतां बैठिया ने, इस करके मैं स्वीकार करता कि हुनर का कोई दावा नहीं है, पर सुचे इश्क का माण है और वो किरत दे विच निहित है। मेरे सामने मेरा ग्राही सुखी सुखविंदर बैठा कैलिबर पब्लिकेशन, असी 1996-97 तो नवजुग साहित कलावां च भीखी हो सारे, और मानसा के टिब्बे किताब का जिक्र कितने कितने होंदा सी। उन्हां समय के 30 साल पहला यह सुपना लिया कि भीखी के चाहे कुछ भी हो जाए असी लाइब्रेरी उसारांगे, और साडा मान सरमाया साढ़े साहित्यकार उन्होंने किरता इतने हो लोग पढ़न। और 2006-07 के सारा सुपना पूरा हो, और अब 70 लाख के बजट नाल बनी लाइब्रेरी उत्थे शामिल है। हर साल उत्थे दर्जना प्रोग्राम होंदे है, और दर्जना पिंडां तों बच्चे उत्थे आ के पढ़ते हैं, और उत्थे लिखण का पढ़न का एक सभ्याचार हैगा, और इस गल का थोड़ा जिहा कदे कदे माण नहीं हुंदा। दूजी गल, मैं उदों कविता लिखता सी, 2002 दे विच मैं प्रायमरी अध्यापक बनिया, नन्हे नन्हे बच्चों के मैं विचरिया, और उन्होंने गलों के मैं खुद एक बच्चा पढ़ के शामिल हो जाता से। उन्होंने गलों मैं लिखा तो लोगों ने कहा कि यह बच्चों की रचना है, यह बच्चों ने कविता ने बच्चे ने कहानियों ने बच्चों के एकांगी ने। और मैं लगे कि असल में मैं बच्चों की गल ही लिख रहा है, और थोड़ा जहा जो मैं उन्होंने मेहनत की रिदम की किताबा पढ़ाने की, उन्होंने सिलेबस के जो भी कोई लेख उन्होंने रचना पढ़ाने तो मैं फोन से उन्होंने गल करा ली। मेरे याद है मैं पात्र साहब नाल केवल धालीवाल उन्होंने प्रेम गोर की कृपाल गजा उन्होंने जो गल कराऊ स्कूल के बच्चों तो बच्चे बड़ा उत्साह
शाह मिलता सी और अज लगभग प्राइमरी तो लैके हाई दे विच 100 तो वध बच्चे बाल साहित पढ़ते हैं और बाल साहित लिखते हैं और बहुत सारे बच्चों मेरे तो पहला 26 जनवरी 15 अगस्त और इस अकादमी के मेरे तो पहला अवार्ड मिलने मैं उसको बहुत मिले अकादमी ने मैं माता जसवंत कौर जस जसवंत कौर जात गरीब बाल पुरस्कार देकर नवाजा से और उसका बड़ा मान हो गया। उस तो अगले साल शहर केस तो प्रेरित होकर भारत साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार दिता और अज दूजी बार मैंने जो इतने मान मिले तो मैं याद करा कि जगजीत सिंह लहलपुरी उन्होंने देशभक्त याद कहाल सुनिया और एक बहुत साफ साफ विचार शब्द प्रवाह मैं उन्होंने महसूस किया और उन्होंने मन के समाज प्रति समाज के कोज प्रति बहुत शिद्दत से बहुत वड्डी शख्सियत सी। एड्डी वड्डी शख्सियत बनना बहुत वड्डी गल है पर एड्डी वड्डी शख्सियत के नाम से माण मिलिया तो मैं लगता कि सानू चाहिदा है कि अजिही वड्डी शख्सियत जे नहीं बन सकते उन्होंने पद चरण चलना ही चाहिए। एक बार फिर अकादमी का बहुत सारा धन्यवाद मेहरबानी।